डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर FAO कार्यक्रम। हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स संक्षिप्त में IYOM 2023 पर एक FAO साइड इवेंट का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के शासी निकाय के 9वें सत्र यानी GB9 के दौरान आयोजित किया गया। IYOM 2023 का साइड इवेंट बाजरा किसानों का उत्सव मनाने पर केंद्रित रहा। इस अवसर पर IYOM 2023 हेतु किसानों की बेहतरी के समाधान के रूप में खाद्य सुरक्षा और फसल विविधता के केंद्र में मोटा अनाज पर विशेष बल दिया गया। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 की, तो भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र को इस वर्ष को मनाने का प्रस्ताव दिया गया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को अपनाने वाले इस प्रस्ताव को 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के चलते कठिन परिस्थितियों में मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों और खेती के लिए उनकी उपयुक्तता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। अब बात करते हैं मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अनाज शामिल होते हैं। इनकी उच्च पोषण सामग्री के कारण इन्हें एक पोषक अनाज माना जाता है। अफ्रीका और एशिया में तो ये एक पारंपरिक प्रधान अनाज के रूप में प्रचलित हैं। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन व अन्य कारणों के चलते इसकी खेती में गिरावट देखी जा रही है। भारत 170 लाख टन से अधिक उत्पादन के साथ एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन के 20% की हिस्सेदारी करता है। भारत के शीर्ष 5 मोटा अनाज उत्पादक राज्यों में शामिल हैं राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा।